इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गुजराती पिक्चर को जिसका नाम है छेलो शो। ये खबर सुनने के बाद टूटा हुआ सांसों में खुद से ही नाराज हूं। मतलब तुम ट्रिपल आर, कश्मीर फाइल, केजीएफ चैप्टर 2, पुष्पराज, ब्रह्मास्त्र, विक्रम जैसी पिक्चरों को छोड़ के एक रीजनल मूवी को क्यों नॉमिनेट कर रहे हो? सबको ये लग रहा था कि इस बार ट्रिपल आर को चांस मिलेगा क्योंकि ट्रिपल आर में क्या कुछ नहीं है। फिर भी ट्रिपल आर फैंस का दिल शीशे की तरह टूट गया। देखो मैं भी एक गुजराती हूँ, मुझे ये पता है कि छेलो शो अच्छी पिक्चर होगी, पर छेलो शो 3 करोड़ में बनी थी और अपनी ट्रिपल आर 850 करोड़ में बनी है। ट्रिपल आर में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा पैसा, ज्यादा समय लगा था, फिर भी ट्रिपल आर को नॉमिनेट नहीं किया। पता नहीं क्यों कभी भी अच्छी पिक्चरों को इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जैसे कि छिथोरे हो गई, केसरी हो गई, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो गई, लंच बॉक्स हो गई, इनको अवार्ड कभी नहीं मिला जबकि ये डिजर्व करते थे। अवार्ड मिला है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, गली बॉय, जुग जुग जियो। देखो ऐसा नहीं है इंडिया के पास अच्छा माल नहीं है, पर पता नहीं बॉलीवुड वाले कौन सा नशा करके नॉमिनेशन डिसाइड करते हैं। क्या RRR लायक नहीं थी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए? तुम लोग ही बताओ। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना।